देसाई रेसिडेंसी। देसाई रेसिडेंसी लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास हेतु सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है सोमनाथपुरम के सामने, बागराज बाट सागर, मध्य प्रदेश। मतदाताओं को फर्जी कहे जाने पर गोविंद सिंह बोले कि कांग्रेस प्रत्याशी हार की हताशा के कारण ऐसा बोल रही हैं। 10 तारीख के बाद जनता उनको खुद जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, सिर्फ हार का एक कारण तलाश रही है। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार की हताशा है, जो हार के डरने के कारण इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि 7 साल जब विधायक थी, गांव में कभी गई नहीं, और गांव के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 5-7 साल कहाँ रहीं और आपने क्या किया। तो अब 10 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, जनता को क्या जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगा नहीं है, तो अच्छा है, अच्छा अपने आरोप लगा दो मतदाता सूचियों पर। ऐसा कभी हुआ है कि इतना फर्जीवाड़ा होती नहीं, मैं समझता हूँ। तो ये किस वजह से उनके क्या सोच क्या हो सकती है उनकी? स्पष्ट और स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, अब कोई ना कोई आरोप लगाएंगे ताकि वो कल जिंदा रहें कि इस कारण से हम हारे। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए, वो उन्होंने लिख के दिया कि मुझको कमलनाथ जी की रैली में उधम की आशंका है। अरे उधम करने वाले लोग तो वो लोग हैं, उनको, उनके लोगों को सब जानते हैं, मेरे और मेरे परिवार के लोगों को सब लोग जानते हैं कि हम लोग, मैं 6-7 बार चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार की अशांति हम लोगों ने नहीं फैलाई है, और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार ही नहीं है। तो ये अभी से ही लोगों के मन मानस में उतारना चाह रहा है कांग्रेस प्रत्याशी कि इस कारण से हम, हमारी हार हुई है, ताकि ये आरोप कल लगाएंगे तो वो आरोप उनके सच निकले। ठीक, सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।